कर रहा हूं, इस टीम में वो लेवल नहीं है कि ये इंडिया से कंपीट कर सके। जिसको अबू बनाया हुआ है आपने, ये घंटे का किंग, ये सेल्फिश तीन इनिंग्स खेल के टीम पे प्रेशर डलवा के खुद भाईजान दबा हो गए हैं। हार ही जाना, हमने फायदा ही नहीं देखने का। पहले पता लग गया कि हार गए हो जी, तो अब इंडिया से हार हार के नहीं हो रहा कि काफी दफा हार गया पाकिस्तान इंडिया से, काफी दफा हार गया, दुख भी नहीं हो रहा। नहीं, ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। इससे अलावा मैं सिर्फ मोहम्मद, मैं मोहम्मद साद आबिद सिर्फ विराट कोहली को पसंद करता हूँ, और विराट कोहली मेरे दिल की जान है। हम ही चूतिया जो इनको देखती है, सीधी बात है, उसमें हम भी हैं। दिल तोड़ दिया ना, बस ये दोबारा नहीं जुड़ सकता। पाकिस्तान का नाम बदनाम कर दिया इन्होंने भाई जान। बाबर आजम ने आज सेल्फिश इनिंग खेली है, खत्म हो गया खेल। इंडिया ने फड़का दी है आपकी बैटिंग लाइन आपको। मेरे ख्याल से विकटें जो गिरी है ना, हमने उनके बॉलर्स को खैरात बांटी है। भारत ने पाकिस्तान टीम को एक बार फिर बुरी तरह से हराया है, और इस बार भारत ने उनकी जो ये नंबर वन बल्लेबाजी की जो दावेदारी थी उसको चकनाचूर करके खत्म कर दिया है। और बाबर आजम जो कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतने ओवर कॉन्फिडेंट थे कि हम तो 5 विकेटें गिराएंगे पाकिस्तान की ओर से भारत के, और मैं तो बहुत शतक ही लगा दूंगा, और क्या क्या फला फला इन्होंने जो भाषण दिया था कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसको सुनकर तो लोगों को लग रहा था कि एकदम से बाबर आजम अब क्या शक्ति खाकर, क्या च्यवनप्राश खाकर आ गए हैं कि अब धमाल मचा देंगे और इंडिया को एकदम हरा कर वापस आने वाले हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हैदराबाद की बिरयानी खाकर उनको जो है सपना अपना आया होगा, तो अपना वो बोल दिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने अपनी प्रैक्टिस के बारे में और अपनी टीम के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था। तो इसलिए ये जरूरी था इस बार भारत की ओर से कि उनको यहाँ भारत में हराया जाए और उनको उनकी औकात याद दिलाई जाए कि क्या आप करने लायक। और जिस तरह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था ना, उससे तो ऐसा लग रहा था कि ये एकदम से लड़ाई लड़ने के मूड में थे, ये क्रिकेट नहीं, ये युद्ध के विचार में थे। इन्होंने जैसे बयानबाजियां करी थी, तो अच्छा हुआ इस तरह से, इनको इसी तरह से लात पड़नी चाहिए थी भारत की ओर से, और इस तरह से पाकिस्तान पर भारत की जो बादशाहत है वो फिर से कायम रह गई। और बहुत अच्छा काम किया हमारे गेंदबाजों ने, हमारे बल्लेबाजों ने, और इनको तो बस 200 का भी स्कोर नहीं खड़ा कर पाया, इससे शर्मनाक इनके लिए क्या बात होगी। और कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स तो कल ही से इनके इंटरव्यू के बाद से ही इनको ट्रोल करना चालू कर दिए थे, इनको बताना चालू कर दिए थे कि किस तरह से आपने बचकानी हरकत की है, आपने किस तरह से बचकाना बयानबाजी किया है, वहां पर जाके आप वहां राजनीति घुसा रहे हैं क्रिकेट में, आप खेलने नहीं जा रहे हैं, लगता है कि इस्लाम का तिरंगा लेकर जो है निकले हैं और जिहाद फैला देंगे अगर एक बार इंडिया को हरा दिए यहां पर, तो जैसे लगता है कौन सी ये बड़ी जंग जीत लेते। तो इसलिए भी इनका हारना तय था, क्योंकि भारत ये जानता है कि इनको किस तरह से हराना है। अहमदाबाद में ये मैच हो रहा था जिसमें 7 विकेट से भारत ने इनको हराया है, तो अब ये अपनी इस हार का श्रेय किसको देंगे। ये जब जीत गए थे तो इन्होंने तो श्रेय दे दिया था फिलिस्तीनी भाई बहनों को, इन्होंने अपने अवार्ड का श्रेय दिया था, तो अब इस बार ये किसको श्रेय देने वाले हैं। तो इस तरह से मैं तो समझता हूं कि भारत जीतता है तो उसने एक और कारगर काम किया है कि आतंकी समर्थन को भी रोक दिया, वरना अगर ये जीते तो आज भी किसी न किसी आतंकी को ही ये अपना समर्थन देते, तो बढ़िया हुआ। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शंस में क्या हो रहा है, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। आओ शहराज, उसका कहते हैं बुमराह तुम आओ, 2 तुम ले लो, उसके अलावा बाकी जो सिराज है उसको कहे कि आओ 2 तुम ले लो, जितने भी उनके बॉलर है ना, 2-2 करके जो है ना, हमने 2 तुम विकटे ले लो, 2 तुम ले लो, 2 तुम ले लो, ये परफॉर्मेंस होती है। बाबर आजम पहले तो बताओ बड़ी बड़ी बातें करता है, आज उसने क्या परफॉर्म किया? आज उसने कुछ भी नहीं, उसने एशिया कप में पूरे कुछ नहीं किया, तो आज उसने क्या कर दिया? इन सारों को, बाबर आजम हो गया, दूसरे हो गए, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, इनको पैसे दे दो, टायरों की मशहूरी करवा लो, इनसे सारी मशहूरियां वफे करवा लो। फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास का घंटा बजा दिया इंडिया ने आज, घंटा बज गया आपका, घंटा बज गया आपका। के पास जो जितना खिलाड़ी है सारी मतलब अच्छे वाले खिलाड़ी है, इसके पास क्या है? कुछ भी नहीं है, सारे ऐसे है कि बस कोई गली से चुके इधर लेके आते हैं और मैच खिलवाते हैं इसके साथ, इससे कुछ भी नहीं बनते। इसके लिए अच्छा वाला खिलाड़ी लेके आए, ठीक है, पाकिस्तान हमेशा तो कहते हैं हमारी क्रिकेट टीम बड़ी स्ट्रांग है, कुछ स्ट्रांग नहीं है, क्या स्ट्रांग है, स्ट्रांगेस्ट है वो तो, हमेशा ही ऐसे ही करते हैं, ठीक है, हमेशा पाकिस्तान को उन्होंने जलील करवाया, आज तक ये वर्ल्ड कप में नहीं जीते, इनको नेदरलैंड के खिलाफ खिलाओ, जिम्बाब्वे के खिलाफ खिलाओ, नेपाल के खिलाफ, ये सेंचुरियां करे, अपनी रेटिंग अच्छी करे, फायदा ही इनको वापस बुलाओ। कोई कह रहा है 400 मारेंगे, कोई कह रहा है 400 का आधा मार लेते, कसम से तुम 400 का आधा मार लेते, तुमसे आधा भी नहीं हो सका 400 का,
और स्क्रीनें टूटेंगी भारत के अंदर। मेरे ख्याल से इनकी शक्लें टूट गई हैं, इनको अपनी शक्लें देखनी चाहिए कि इनकी शक्ल के ऊपर। बात ये जो ऊपर बैठे हैं उनका काम है अच्छी टीम सिलेक्शन करना, अच्छे लोगों को लगाना, अच्छे लोगों से काम कराना, ठीक है। ये ना आप कर सकते हो ना मैं कर सकता, ये उनको सोचना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं, हम मैसेज क्या कन्वेयर कर रहे हैं, हम अपनी नई नस्ल की न्यूट्रिशन के लिए क्या करना के चाह रहे हैं। भाई जान है, बाबर आजम ने ना जिस तरह सेल्फिश इनिंग खेली है ना, और रिजवान ने उसके बाद टीम के ऊपर प्रेशर बनाया, इनविटेशन दिया है इस तरह मैच करना है, पूरा प्रॉपर मैच करें। ये क्या है, हर दफा ही 2011 का वर्ल्ड कप हुआ, वकार जगा गया, उस दफा भी ऐसे ही हुआ है, इस दफा क्या है, जान बूझ के आ रहे हैं। इनका मकसद ये है कि वाम को जलील करना। अब ये कितनी वाम आई है, इनका क्या गुना है, बंदे के पुत्रों की तरह खेलते, ये तो कोई बात नहीं कि भाई ठीक है आए खेला गया। पाकिस्तान की शुरू से ये आदत है, पाकिस्तान जब भी भारत के साथ खेलता है तो हमारी नाक कटवा कट जाती है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान जो है ना प्लेयर जो है ना इस काबिल अब नहीं है कि दुश्मन से लड़ सके। घंटा बजा दिया इंडिया ने हमारा, शर्म कर लो, क्या बोलूं अब मैं इनको, क्या किधर गई आपकी क्लास, किधर गई ओडीआई की नंबर वन टीम। ये सारा फिक्स्ड है, ये बच्चों को रात का भी पता है, 4 दिन पहले की चली हुई न्यूज है कि भाई वकार जकार ने जाना है, ये मैच होना ही होना है। लेकिन इस मैच में भी इन्होंने कोई कारगर्दगी नहीं दिखाई, ये वही टीम दोबारा आ जाती है और वही काम करके वापस चले जाती है, इनका जीतने का कोई इरादा नहीं है। उसके अलावा ये दूसरी बात, तो ये इंडिया के मुल्क में हमारा नाम बदनाम कर रहे हैं पाकिस्तान का। बताऊँ ये है ही नहीं इस काबिल के फाइनल खेलें, हम बस ऐसे ही उम्मीदें लगा लेते हैं। देखें खाली जो है ना दुआओं से नहीं, परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है। विदाउट परफॉर्मेंस जो है ना, आप दुआएं करने लग जाओ, आप एक्टिंग करने लग जाओ, आ रहे हो लंगड़ा के चल रहे हो, आपसे पिच के ऊपर मतलब दिखा मतलब शोबाजी। पता चल गया क्रिकेट में अबू कौन है, पता चल गया इंडिया से मुकाबला नहीं है, पता चल गया कि 7-0 को 7-1 नहीं करना, 7-8-0 है आज। किधर गई वो बाबर आजम की बातें, कहते हैं हम इंडिया को हराएंगे, हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, ये करेंगे, घंटा बजा दिया इंडिया ने। जो पाकिस्तान हमारा मुल्क है उसकी वजह से कोई उसकी निस्बत कोई खेलता नहीं है, अगर वो खेले तो अपना सही मन लगा के नहीं खेलता, प्रैक्टिस के दिन होते हैं। ये अली हसन अली, उसके अलावा ये मोहम्मद हारिस रऊफ, ये सारे ये अपनी वीडियोस टिकटॉक पे अपलोड करते हैं, टिकटॉक बनाते हैं, उसके अलावा ये कोई मतलब इतनी प्रैक्टिस ही करते, और जब खेलने की बारी आती है तब ये अपनी सिंपल विकेटें लेके आ जाते हैं, ना कोई स्कोर होता है ना कुछ, और इसीलिए हम तो कहेंगे ये पाकिस्तान की सबसे गंदी टीम है। टीम बिकती है, आपका कह रहे टीम बिक गई है, बिल्कुल ये टीम नहीं बिकी, टीम का प्रेशर इतना है, जो उसके साथ कोई बात करेगा मौत नहीं आ रही। उधर बाबर आजम को देख लें, बकाया दूसरे रिजवान देख लें, ये उनके यहाँ जाके दावतें उड़ा रहे हैं, यहाँ से खेलने के लिए गए कि बिरयानियां खा रहे हैं वहाँ। आप यकीन करें जब तनख्वाहें 50-50 लाख मिलेंगी ना, तो फिर पाकिस्तान नहीं फिर अपनी जात पहले होगी। जब इतना कमाएंगे, इतनी तनख्वाहें पीसी भी देगा, तो फिर इन्हें क्या पता ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी खेलते हैं, ये जरा थोड़ी शो मार लें, थोड़ा बता दें मुंबई की बिरयानी खा लें, कोई बता दें इंडिया की बिरयानी कैसी है पूरी दुनिया के सामने। उन्होंने तो अपने एंड पे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया, लेकिन मुजम्मिल भाई मैं आपको बताऊं, इन्होंने हक नहीं अदा किया, इन्होंने इस मिट्टी का हक आज नहीं अदा किया। टैक्स हमारा है, टैक्स हमें भरना पड़ा है, इनके इनको हम लोग फीस दे रहे हैं बकायदा, पूरा किया इनके आने जाने का खर्चा हमने पूरा किया हुआ है। हाँ, को हमें छुट्टी मिल गई है, अगर हम कारोबार को ओपन करेंगे तो हमें नुकसान फिर हमें भरना पड़ेगा। सोच रहा हूँ कि जो सवाल आपने किया है ना, मुल्क में बस लोगों का और ये कारोबारी ज़हनी बनाया हुआ है, यानी कि जुएबाजी करते हैं लोग। इस पे 350 बनना था, रोहित शर्मा को पता था कि इनकी औकात ही नहीं है 350 वाली, इनसे 200 नहीं बनना, 350 से क्या करेंगे। हर बॉलर ने आपके पढ़ाचे उड़ा दिए हैं, अब्दुल्ला शफी को पता ही नहीं कि सीधे बल्ले से खेलना है, वो क्रॉस मार रहा है। जैक्सन इतनी आउट क्लास टीम थी, मेरे बस में हो ना मैं इनसे गटर साफ कराऊं अपने मोहल्ले के, इस टीम से सही बात है, मेरे बस में हो तो। रिजवान का भी यही काम है मैं अपनी सेंचुरी करूं, बाबर का भी यही काम है अपनी सेंचुरी करूं, उसके अलावा इनको कोई परवाह नहीं पाकिस्तान की टीम क्या करे क्या ना, तो यही तो मत। तो मुझे वो इमामुल हक चूतिया, वो एक ड्राइव मार गया, दूसरी बजी मारने लगा,
बाबर घंटा 45 और 50 के दरमियान इसने 15 बॉले ली हैं, 5 रन करने के लिए घंटे ने टुक टुक लगाई रखी है। वो रिजवान, उसकी एक्टिंग नहीं खत्म होती, उसको तो बुमराह ने बताया भाई तू भास्कर निकल इधर से। अपने आप को सेट करने के लिए, अपने रन बनाने के लिए टीम के अलग आ गए हैं ये। अभी तक यही तो मैं कहता हूँ, इनको खेलना नहीं आता, इनसे ना गटर मोहल्ले की गलियों की सफाई करवानी चाहिए इनकी पूरी टीम से। मैच देख के मुझे इतने दुख आ रहा है कि मैं दुकान छोड़ के बाहर आ गया हूँ कि ये ना हो के उनकी एसिडी तोड़ दूं। किनकी? जिसका होटल है। इतनी बदतमीज टीम है कि इतना खर्चा इन पे होता है, इतना खर्चा अगर ये गरीबों पे दिया जाए तो ये नाम, क्रिकेट नाम खत्म कर दिया जाए तो ये वो अच्छा है।